गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयान विजन। तो गाइस अब यार शाम का वक्त हो रहा है एंड यार ये वीडियो थोड़ी सी यार लेट हो गई आने में। यार उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बैक कैमरा करके फ्रेंड्स। तो गाइस यार इसका रीज़न ये है कि हमारी तरफ यार सुबह काफ़ी तेज जो है हवा चल रही थी एंड यार मैं अपने कबूतर प्रॉपरली नहीं खोल पाया। तो यार अभी है शाम का टाइम तो यार हमने कबूतर वगैरह अपने खोल दिए हैं। और इससे पिछली वीडियो आप सही भाई ने यार देखी होगी, उसमें यार हमने कबूतर पकड़ा था, जुनैद भाई ने पकड़ा था चेप से। और सबसे पहले यार अपनी हम रोकते हैं बात और ये देखो क्या हुआ। तो इसको निकालते हैं पहले, रुको 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 आराम से। ये देखो गाइस यार ये इसके पैर में फंस चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो इसको अभी हम निकाल देते हैं, किस तरीके से निकलेगा ये। यार ये निकल तो नहीं रहा है, अभी मैं पॉज करता हूँ वीडियो फिर आपसे मिलते हैं। तो निकल चुका है फ्रेंड्स फाइनली, ये गया। और ये यार ये जो लग रहे हैं ना ये कबूतरों के पैर में टकते हैं, तो यार इनको हम तोड़ देते हैं और नीचे को फेंक देते हैं। जाओ ये फेंक दिए। तो हाँ यार फ्रेंड्स अपनी हम बात पाते हैं, इससे पिछले व्लॉग में आपसे भाई ने देखा होगा जुनैद भाई ने यार एक कबूतर पकड़ा था चेप लगा के, और उस वीडियो में यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे भी और आपसे भाइयों को इंशाल्लाह मज़ा आया होगा। क्योंकि यार चेप से कबूतर पकड़ा और ये देखो दो बार वो कबूतर यानी कि एक बार उड़ के इधर बैठ चुका था, फिर यार उसके हमने चेप मारा तो वो यहाँ पर आकर गिरा और मैंने आपके सामने लाइव उसको पकड़ लिया था। तो यार अभी वो अपने सेटअप पर नहीं है, यानी कि यार हमारी वीडियो देख कर यूट्यूब की जिन भाई का वो था वो वहाँ से लेने आ चुके थे। यानी कि यार हमने तो सोचा था कि जिनसे हमारी लेन देन बंद है यार उन भाई का है, मगर यार वो उन भाई का नहीं निकला, वो किसी और भाई का निकला। वे बोल रहे थे कि यार आपका कबूतर आएगा तो हम भी दे देंगे, तो यार आप भी हमारा कबूतर दे दीजिए। तो यार हमने उनका कबूतर दे दिया है हमने, और इस वजह से क्यों उनका कबूतर रिटर्न करा है क्योंकि यार वे हमारी वीडियो देख कर आए थे। तो हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं आप अपना कबूतर ले जाओ, तो हमने यार उनका कबूतर रिटर्न कर दिया है। बाकी अभी यार शाम का टाइम और दाना हो चुका था ख़त्म, तो दाना यार मतलब कि मैंने अभी उजैफ से लेने भेजा है, देखते हैं यार वो आता है लेकर। कबूतर मैंने खोल रखे हैं, पूरा शाम का टाइम हो चुका है, कबूतर यार भूखे हैं। ये देखो पानी तो यार मैंने इनको डाल दिया, और ये देखो यार अपनी घर की पट्टी से अपने ये देखो इस पट्टे का पैर लग चुका है, अब हम इसके भी यार ब्रीड करवाएँगे। और वो कहें ये देखो हाँ ये जो यार हमने पैर लगाया था काफ़ी दिन हो चुके हैं यार इस पैर को लगाए हुए, तो यार अब ये अंडों पर आ रही है मादी, अब यार हम इसकी भी ब्रीड करवाएंगे माशाल्लाह से। ये है गुड न्यूज़। और ये देखो ये दुबार बच्चा अब कुछ इतना बड़ा हो चुका है, इतना हेल्दी हो चुका है ये अपने बाप से। ये देखो इसका ये बाप जो जा रहा है ना रेड, इससे दाना मांगने की सोच रहा है, ये देख लो। तो ये कुछ यार सीन चल रहा है अपने सेटअप पर, और जैसे यार दाना लेकर आता हूँ जब तो यार हम आपसे भाइयों को भी ज़रूर दिखाएँगे। एंड अब यार अंदर चलते हैं और आपको अंदर का भी सीन दिखा देते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो अंदर यार ये देखो लाइट जला लेता हूँ मैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो गाइस ये तो अपना वही है जो बिल्ली ने जिसकी बाजू खा ली थी, तो इसके दूसरी बाजू के पार आ रहे थे हमने वो भी काट दिया, अभी ये बिल्कुल प्रॉपरली ठीक हो चुका है कबूतर। और ये देखो ये है अपना रेड मादी इनका बच्चा, मैं आपको हैंड टू हैंड देता रहता हूँ इनकी इन्फॉर्मेशन। तो ये यार हमें टेम करना है हाथ का, तो हम इसको 10 दिन में ठा लेंगे यहाँ से जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और ये दो बच्चे रखे हुए हैं तो आपसे भाई को पता ही है, ये भी एकदम हेल्दी है कोई बैड न्यूज़ नहीं है, इसके दो बच्चे रखे हुए हैं तो बिल्कुल हेल्दी है कोई बैड न्यूज़ नहीं है। और फ्रेंड्स इसने तो अभी तक अंडे ही नहीं दिए, और इसका एक बच्चा रखा हुआ था जिसको अकेला बाप पाल रहा था, ये भी एकदम प्रॉपरली ठीक है कोई बैड न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर हम आते हैं तो अपना कागजी बच्चा एकदम हेल्दी है कोई बैड न्यूज़ नहीं है, और यहाँ पर दो अंडे दे रखे थे लाल कबूतरी ने, दोबारा से कोई बैड न्यूज़ नहीं है। यानी कि यार बिल्कुल अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी बढ़िया अभी तक चल रही है। और ये देखो दो दो नर पड़ रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि यार ये जो मेल है ना जो आगे वाला है ये भी यार खाली है बिल्कुल, तो इसका भी यार जल्द से हम पेयर लगाएंगे। कबूतर सेल करने के बाद गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, यानी कि यार मादी ने भी अब कम हो गई, तब जल्द से जल्द यार हम मादी ने वगैरह लाएँगे। और वहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से ये दो बच्चे शायद ही अपने बाप से शायद फीड मांग रहे अंदर होंगे इनके जो माता पिता हैं। तो गाइज़ ये यार बच्चे भी एकदम बढ़िया अपने प्रॉपरली पल रहे हैं। और यार ये एक पेटी आपको यहाँ पर खाली खाली दिख रही होगी, यहाँ से यार फ्रेंड्स हमने पेटी हटा ली है क्योंकि यार उसका रीज़न ये है हमारे यार यहाँ पर ना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी वो
पेटी जो थी, और यहाँ से यार हिल रही थी, उसका कोई जुगाड़ नहीं था अच्छे से रखने का। ये तो देखो बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से रखी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी तो हमने यार हटा दिए, क्योंकि यार उसका कोई काम भी नहीं था। कबूतर अब कम हो चुके हैं, आधे कबूतर तो यार अपनी पेटियों में ही रहते हैं। तो यार जैसे ही मुझे दाना लेकर आता है, मैं यार तुरंत अब वहाँ कंटिन्यू करता हूँ, आधी वीडियो तो यार हो चुकी है, तो उसको यार दाना लेने देते हैं, अपने कबूतरों को दाना पानी करते हैं, फिर आपसे भाइयों को दिखाते हैं। हवा यार अब भी चल रही है, तो जैसे ही दाना आता है आपसे फ्रेंड्स मिलते हैं। तो गाइस ये देखो यार फाइनली उजेब आ चुका है दाना लेकर, ये आ रहा है, ये देखो गाइस मैंने जूम करके दिखाया, ये आ रहा है गाइस दाना लेकर, और जस्ट मेरी तरफ कोई देख रहा है, ये अपना कुछ बाहर का सीन है, ये दाना लेकर आ रहा है। तो यार जैसे ही अपने सेटअप पर दाना लेकर आता है हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। कबूतर एकदम इंतज़ार में है देखो दाने की, काफ़ी ज़्यादा यार कबूतर भूखे हो रहे हैं, ये देखो। तो गाइस फाइनली यार उजेफ आ चुका है दाना लेकर, और यार बहुत बड़ी बात है यार, ये बेचारा चला जाता है। कितने रुपए का लेकर आए हो अभी? सारे पैसों का। सबका लिया है? चलो कोई बात नहीं, ये देखो यार ये तो हमने अभी के लिए लाए हैं, बाकी यार कल को हम और दाना लेकर आएंगे, क्योंकि यार हम लेट हो चुके थे इसलिए हम यार अभी के लिए लेकर आए हैं ये दाना। बाकी कल को ये देखो यार ये रहे कुछ पैसे, इनका यार हम दाना लेकर आएंगे, 300 रुपये हैं ये, कुछ टाइम चल जाएगा यार फिर हम और दाना लेकर इनके लिए आ जाएंगे। बाकी यार अपनी जो ज़मीन है ना उस पर यार गेहूँ उग रहे हैं, फिर हम वो वाले गेहूँ खिलाएंगे। देखो कबूतर का पहले आप रिएक्शन चेक करो, कितना ज़्यादा भूखे हो रहे हैं, देख सकते हो आप गाइस पन्नी में से यार फ्रेंड्स ये खा नहीं सकते, और ये देखो यार कि भूखे कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखो। तो जल्द से यार इनको डाल देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कबूतर हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भूखे। आह 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 लो बेटा खा लो खा लो खा लो, आओ आह आह यार आवाज़ लगाने से ये होता है जो अपने अंदर के कबूतर होंगे ना यार गाइस वो भी आ जाएंगे। आओ आह 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 आ जाओ बेटा आ जाओ, दाना दाना दाना, ये आ गया गाइस अपने सभी कबूतर यार माशाल्लाह से खा रहे हैं दाना। एंड थोड़ा और डाल देते हैं, ये गया दाना और थोड़ा, तो अब बस यार थैली कोम, ये देखो दुबार बच्चा भी आ गया, अब इसके सामने भी डालते हैं, बस यार एक साथ डाल देते हैं जितना इनको खाना है। लो आओ 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 देखो आवाज़ से आ रहे हैं ना, ये सफ़ेद बच्चा भी आ गया, अब ये कोशिश कर लेंगे। तो गाइस मैंने इनको बहुत सारा दाना डाल दिया है, अब यार हम ये थैली वगैरह बांध के रख देते हैं। सो गाइस यार बाकी दाना हम इस मटकी में कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना पड़े, हम इसके अंदर ही अक्सर कर देते हैं दाना, और ये पन्नी हम यहाँ पर रख देते हैं, एंड ये रख देते हैं इसके ऊपर। और उजेब जो है बाकी का दाना इस यहाँ पर डाल रहा था जो कि बचा था, ये देखो मस्त यार अपने कबूतर खा रहे हैं, तो इनको खाने देते हैं यार, इनको व्यस्त नहीं करते हैं, जाओ जाओ चलो भाई। तो गाइज पहले मैं आप सही भाई को भी दिखा देता हूँ, यार शाम हो चुकी है, ज़्यादा कबूतरों ने खा लिया है, दाना पानी बिल्कुल फिट, सभी अपने कबूतर यार जाकर बैठ चुके हैं, देख लो कबूतरों को यार अंदर कर दिया है मैंने, सभी अपने माशाल्लाह से कबूतर अपनी अपनी जगह पर है। तो अब बस गेट इन बंद कर देते हैं जल्द से, यह हमने गेट बंद कर दिया, अब इन पर दरी ढक देते हैं, और ये यहाँ लो गाइज दरी वरी यार सब ढक चुकी है, और ये भी बस कंप्लीट हो चुका है, बस चारपाई लगानी है यार। आज मैं आपको कबूतर बंद करते हुए भी दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से पैक करता हूँ, और ये ऐसे गाइज ये लग गई। तो गाइज इस तरीके से मैंने अपने सभी कबूतर यार पैक कर दिए हैं, पानी वगैरह भी यार फेंक दिया है। तो गाइज शाम भी हो चुके हैं यार, अब हम जा रहे हैं यार नीचे। तो यार ये था हमारा व्लॉग, इंशाल्लाह यार आपको पसंद ही आया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था, पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।